नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी मां हीरोबेन मोदी का जन्मदिन मनाया। जी हां, अपनी मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्त अब्बास अली का जिक्र किया। जी हां, और इस ब्लॉग के सामने आने के बाद पीएम मोदी के दोस्त अब्बास अली चर्चा में हैं और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री के इस दोस्त ने एक मशहूर वेबसाइट के जरिए खास बातचीत की। दरअसल पीएम मोदी का ये मुस्लिम दोस्त अब्बास अली इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहता है। हाल ही में उन्होंने एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत के दौरान कहा, हाँ मैं करीब एक साल तक पीएम मोदी के घर पर रहा था और वहीं रहकर मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता और पीएम मोदी के पिता हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त बने। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह एक साल तक पीएम मोदी के घर पर रहे। वहीं अब्बास ने कहा कि पीएम के पिता उन्हें घर ले आए थे और इस साल उन्होंने होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई और जश्न भी मनाया पीएम के घर ईद के साथ ही। उन्होंने यह भी कहा, ईद के मौके पर पीएम मोदी की माँ मेरे लिए सेवई बनाती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अब जो माहौल बन गया है वह पहले कभी नहीं रहा, उस दौरान सभी ने सेवई बनाई, एक साथ त्योहार, मैंने कभी पीएम मोदी से मदद नहीं मांगी, अहमदाबाद में रहते हुए वह कभी पीएम से नहीं मिले। आप सभी को बता दें, पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, बचपन में अब्बास मेरे दोस्त मेरे घर में पढ़ते थे, हम सभी के बच्चों की तरह अब्बास को भी उनकी माँ ने पाला था। ईद के दिन माँ अपनी पसंद के पकवान बनाती थी,